हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर के आई हूँ। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। किसी की प्रॉब्लम होती है, कोई न्यू यूट्यूबर्स होते हैं तो स्टार्टअप में यही होता है कि 1,000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे करें, वॉच टाइम कैसे पूरे करें, इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की जाती है। काफ़ी यूट्यूबर्स ने अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो इसी से रिलेटेड मैंने आज की वीडियो बनाई है कि वो उन यूट्यूबर्स के लिए जो चैनल बना चुके हैं और या चैनल बनाने की सोच रहे हैं, या चैनल जिनका बन चुका है लेकिन सब्सक्राइबर पूरे नहीं है, वॉच टाइम पूरा हो चुका है, जिनका वॉच टाइम पूरा है तो सब्सक्राइबर पूरे नहीं है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो से आज सॉल्व हो ही जाएंगी। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, YouTube की कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज है कि 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको एडसेंस चालू कराना है, मोनेटाइजेशन आपको स्टार्ट कराना है अपने YouTube चैनल का, तो इसमें यह होता है कि 1,000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम, इसको पूरा करने के लिए लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं। ऐप से कीजिए, सब फोर सब कीजिए, या ये ट्रिक अपनाइए, ये सेटिंग कीजिए। लेकिन आज मैं इस सारी बातों का एक निचोड़, एक कॉन्क्लूज़न आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से, इन सब ट्रिक्स से, ये सेटिंग, ये ऐप, इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज़ ये होता है कि सब्सक्राइबर, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सब्सक्राइबर लोग होते कौन है, सब्सक्राइबर होते कौन है। जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा तब तक आप उस चीज़ को गेन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव टू नो अबाउट द सब्सक्राइबर। और सब्सक्राइबर कई तरह के, दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव और इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर, दूसरा होता है अनएक्टिव अन इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी, जो एक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं वो ये वो लोग होते हैं जिनको आपकी वीडियो अच्छी लगती है और वो आने वाली अपकमिंग वीडियो का वेट करते हैं, देखते हैं, तो वो होता है एक्टिव। और जिनको आपकी वीडियो में इंटरेस्ट है, वो अच्छी लगती है, यानी कि इंटरेस्टेड है वो लोग, तो उनको वो इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर है। तो आपको अपने चैनल के लिए एक्टिव और इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर की ही नीड होगी, क्योंकि यदि वो ही नहीं होंगे तो फिर आप चैनल पर कितने ही वीडियो डालते जाएँ तो आपको वीडियोज़ को देखेगा कौन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको माइंड में सेटअप कर लेना है कि हाँ, मेरे को एक्टिव और इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर अपने चैनल से जोड़ने हैं। अब मानो आप यार दोस्तों से इधर उधर बोल के 2, 4, 8, 10, 15, 20, 50, 500 सब्सक्राइबर कर भी लेंगे, लेकिन कितना कर लेंगे? 1,000 चलो हो जाएंगे, 2,000 हो जाएंगे, लेकिन क्या वहीं तक आपको सीमित रहना, आपको ग्रो नहीं करना? तो ये चीज़ होती है। माना चैनल वहीं पे आप ठप शुरू में खुश हो जाएंगे, मोनेटाइजेशन लग जाएगा, लेकिन 2,000 से प्लस बढ़ेंगे नहीं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एक्टिव और इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर अपने चैनल पर लाने हैं। और वो कैसे आएंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ऐप नहीं, कोई सब फोर सा फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी कोई ट्रिक काम आने वाली नहीं है। करके देख लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यदि आपकी ये कोई भी ट्रिक काम आए तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि होंगे कैसे पूरे। चलो हम पॉइंट पर आते हैं, कम टू द पॉइंट। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पूरे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, आपके चैनल पे कम से कम 30 से 40 वीडियोस होनी चाहिए, वो भी वॉचेबल। वॉचेबल से मतलब है ऐसी वीडियो जिन्हें देखते ही कोई देखने के लिए, मतलब कोई वीडियो किसी 10 व्यूअर्स के सामने गई है, 10 आदमियों के सामने प्रेजेंट हुई है, वो देख रहे हैं आपकी वीडियो। और देखिए, यदि आपने आपकी वीडियो देखी है उसको अच्छी लगनी चाहिए, उसको इस काबिल आपकी वीडियो में इतना दम होना चाहिए कि यदि आपकी वीडियो वॉच कर रहा है तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी, बेहतरीन और फर्स्ट क्लास वीडियो जब बना के अपलोड करनी है। ये नहीं है कि एक दिन में 30 डाल दोगे, एक हफ्ते में डाल दोगे, मतलब जो है ना काउंट से नहीं है, मतलब ये कि बेहतर और बहुत ही अच्छी वीडियोज आपको अपलोड करनी है। समझ में आ गई बात? तो ये तो ये आपकी पहली बात। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ कि मतलब फर्स्ट आपने देख लिया कि हाँ भी हमने 30 वीडियोज़ अपलोड कर दी। दूसरी बात ये होती है कि जैसा कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि थंबनेल, जो वीडियो के फ्रंट पे जो एक फ़ोटो लगा होता है ना, उससे थंबनेल बोलते हैं, यानी कि जिस पर हम क्लिक करते हैं वीडियो चल जाती है। तो देखिए, एक टॉपिक मैंने और बता दिया इसी वीडियो में कि थंबनेल क्या होता है। अब दूसरी बात होती है कि थंबनेल जो है बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव, गॉर्जियस होना चाहिए, जिसको देखते हैं उस पर क्लिक करने का मन करे, यानी कि उसको क्लिक करते ही एक व्यू में चला जाएगा। और यदि किसी को अच्छी लगेगी तो उसको वॉच भी जरूर करेगा, डेफिनेट उसको वॉच करेगा। तो दूसरी बात में, दूसरी जो मेन बात मैंने आपको बताई है वो ये है कि आपको थंबनेल जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत गॉर्जियस बनाना है, बहुत ही सुंदर बनाना है, जितना ज़्यादा हो सके। थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसके बाद ये है कि थंबनेल ज़्यादा बहुत अच्छा बना लिया। दो बार मैंने आपको बता दी कि कम से कम 30 वीडियो होनी चाहिए, थंबनेल बहुत अच्छा बनाना चाहिए। नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है
कि आप जब वीडियो का टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन जो मेंशन करते हैं ना, तो उसको इतनी अच्छी तरीके से मेंशन कीजिए कि उनमें सिमिलरिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, बहुत अच्छी तरीके से उसको सर्च करके कैसे कीवर्ड है, कैसे सर्च किए जाते हैं, तो सर्च करके कि कौन कौन से कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से आप डालोगे। इससे रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, देखिए। यदि आप मुझसे चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं बताऊँगी। तो ये थर्ड बात, जो तीसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि ये तीनों टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से डालने हैं, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। यदि आप कोई भी चाहे एक वीडियो डालिए चैनल पर या दो वीडियो डालिए, तो उनके टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से डालने हैं। तीन बात मैंने आपको बता दी है। नंबर चार कि चैनल, यदि यूट्यूब चैनल को आपको ग्रो करना है, उसके सब्सक्राइबर्स को उस टाइम बढ़ाना है, तो उसका ये है, थंबनेल अच्छा बनाया, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे डाले, 30 वीडियोज आपने बहुत अच्छी अच्छी बना कर डाल दी है। उसके बाद जैसे यूट्यूब की टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं कि हम अपनी वीडियोज़ को कहीं शेयर नहीं कर सकते, तो इस टर्म इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है कि आप अपनी जो वीडियो है खुद से वॉच नहीं कर सकते, कहीं पे जो है उसको शेयर नहीं कर सकते। नंबर चार बात हो गई। अब नंबर पांच बात मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। मतलब आपने वीडियो तो बहुत अच्छी बना कर डाल दी, लेकिन ध्यान नहीं दिया उसकी वीडियो क्वालिटी पे, या वीडियो क्वालिटी अच्छी है तो उसकी ऑडियो अच्छी नहीं है। तो देखिए, कोई भी दर्शक, कोई भी व्यूअर्स आपके चैनल पे, मतलब फर्स्ट टाइम आया, कोई भी वीडियो उसके सामने आई है, उसको देख रहा है, मानो वीडियो तो विजुअलिटी अच्छी है लेकिन उसकी ऑडियो, उसकी जो आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, उसको स्किप करके आगे दूसरी वीडियो पर बढ़ जाएगा, किसी दूसरे चैनल पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी बनानी है और उसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी बनानी है। यानी कि ऑडियो आप जितनी ज़्यादा अच्छी उसकी आवाज़ आएगी तो सुन अच्छी तरीके से पाएगा, और वीडियो क्वालिटी से मेरा जो मीन है, मेरा जो मतलब है वो ये है कि कम से कम HD क्वालिटी की वीडियो आपको बनानी ही है। फुल HD की बनाते हो तो वो तो दी बेस्ट है, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको पांच टिप्स बता दी। नंबर सिक्स मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, आप सोच रहे हो कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, आपकी चाहे दो वीडियो और पांच वीडियो, मैंने पहले भी आपको बताया, फिर बता रही हूँ कि आप कोई भी वीडियो बनाएं तो वीडियो इस तरीके की बनाएं कि कोई फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखे तो उसके वीडियो को देख के वो उसको सब्सक्राइब करे बिना, आपके चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाए ही नहीं। यानी कि इतना दम, इतनी अच्छी वीडियो आपकी होनी चाहिए कि उसको सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आने वाली वीडियो का आपका वेट करें। तो वो होता है एक्टिव और इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर। और जो आपके यार दोस्त आपके कहने से उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, एक दो बार वीडियो देख भी ली, बाद में कोई देखेगा नहीं, किसी को इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते, इस टाइप की वीडियो उनको पसंद नहीं है या उनको समझ में नहीं आती, तो वो अनएक्टिव और अन इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स में काउंट होता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। यदि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेट आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपके जो सब्सक्राइबर, आपका जो वॉच टाइम है, वो 1 से 2 महीने के अंदर धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और ये बात श्योर है कि कोई भी 1-2 दिन 5 दिन में कोई भी काम हो, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई खुद का बिजनेस करे या कुछ भी सेटअप करे, तो वो 1-2 दिन में नहीं चलता, उसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए और आपका चैनल डेफिनेट ग्रो होगा। आपको जो इन शॉर्ट में आपका इस टोटल सारी वीडियो का जो कंक्लूजन बताऊँ, ये है कि आपको सिर्फ ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको अपलोड करनी ही है। तो मैंने ये 6 टिप्स आपको बताए, और 7 टिप्स जो लास्ट का है वो मैं ये बताती हूँ। सिर्फ आपको वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, सिर्फ इसी पे ध्यान रखना है, और 3 दिन में एक वीडियो तो जरूर डालनी है। 1-2 महीने, 3 महीने, 5 महीने आप देखिए, आपके 100, 200, 300 नहीं, धीरे धीरे आपके इतने अच्छी तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वो वॉच भी करेंगे, तो वॉच टाइम ऑटोमेटिक आपका बढ़ ही जाएगा। तो यदि ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आप मेरी सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि वीडियो अपलोड करनी है बेहतर से बेहतर, 3 दिन में एक तो डालनी है, और ये सारी बातों का ध्यान में रखना है, तो आपकी ये सब्सक्राइबर को बढ़ाने वाली जो जो मैंने वीडियो बनाई है, किस तरीके से बढ़ाते हैं, ये ज़रूर आपके लिए काम करेगी। और तब आप खुद मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखेंगे कि हाँ, आपकी ये सारी ट्रिक जो है, आपके सारे टिप्स काम आए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब और मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।